हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सुप्रिया, आपका स्वागत है मेरे किचन में, यानी कि सुप्रिया जीजी मिल में। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए क्या है, ये गोलगप्पे के हैं, पानी पूरी के हैं। तो आज हम यही बनाने जा रहे हैं फुल रेसिपी के साथ। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यार कितना क्रिस्पी है और ये होम मेड है। देख के मुंह पानी आ गया ना आपके, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना है। तो चलिए आज हम यही बनाते हैं। और ये है मेरी बेटी। तो सबसे पहले हम इमली ले लेंगे, इमली का पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 कप पानी लिया है और 1 नींबू के साइज़ का इमली लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको हम पानी में डाल के छोड़ देंगे ताकि इमली फूल जाए और इसका पल्प निकल जाए। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसके लिए हम आटा तैयार कर लेंगे पानी पूरी के लिए। तो सब यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी लिया है, दोनों बराबर मात्रा में लेना है। बहुत ही ज़रूरी है ये दोनों इक्वल मात्रा में होना चाहिए। और 1/2 चम्मच नमक लिया है और 1 चुटकी मीठा सोडा है, यहाँ पे खाने वाला सोडा। तो इसको हम आटे में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतने आटे से लगभग 100 पानी पूरियाँ बन जाएंगी गोलगप्पे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम आटा तैयार करेंगे। तो आटा हम जैसे रोटी के लिए लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे। इसका आटा ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटा तैयार कर लेते हैं इसका। ये देखिए हमने आटा लगा लिया है, आटा गूंद लिया हमने। और ये देखिए ना सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। तो इसको हम अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। अब ढक के इसको हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम इसका आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं और पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इमली का पानी तैयार करते हैं पहले। तो इमली जो हमने पानी में भिगो के छोड़ दिया था वो देखिए अभी इसका पल्प अलग होने लगा है, अच्छी तरह से भीग गया है ये। और इस पानी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिए प्याज और हरी मिर्च, थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें, इतना नहीं डालेंगे। और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और ये भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये 1 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों से इमली को इसी तरह से रगड़ते हुए इसका पल्प अलग कर लेंगे और बीज हम निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। हाथों से अपनी अच्छी तरह से इसको मल लेते हैं पहले। देखिए इसका बीज है, इसको हम अलग कर देते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला डाल देते हैं और ये भुने हुए जीरे का पाउडर ये भी डाल देंगे 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम पहले। इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं, हरी मिर्च भी डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। मैंने नमक टेस्ट किया थोड़ा कम था तो मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ उसमें, वो भी नमक चेक कर लें। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारा इमली का पानी भी रेडी हो गया है पानी पूरी के लिए।
इसको हम साइड में रख देते हैं। अब आलू का मसाला तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 8 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। और ये रोस्टेड चना है, भुने हुए चना, आप चाहे तो भीगे हुए चना ले सकते हैं। अरे प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, एक चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे और इमली का पानी जो हमने बनाया था ये भी उसमें थोड़ा सा डालेंगे, इसे खटास आएगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सबसे पहले आलू को हम क्रश करके इसको मैश कर लेंगे पहले। जैसे कि मैंने बताया इतने आटे में हम एक सूप पूरियाँ बना लेंगे गोलगप्पे, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाला बनाया है आलू का। आप अगर कम बना रहे हो तो मसाले भी कम बनाएं। और ये भुने हुए चने के बदले आप भीगे हुए कच्चे चने ले सकते हैं या फिर छिलके वाली मूंग ले सकते हैं भिगोकर। मैंने आलू को मैश कर लिया, अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं, जीरा का पाउडर डाल देते हैं। चना डाल देते हैं, साथ में ही प्याज और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। अब इमली का पानी जो हमने बनाकर रखा है पहले से उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथों से मिक्स करना ज़रूरी होता है, फिर ये अच्छी तरह से मिक्स होगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, भर के आएगा। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और हमारा आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, कितना अच्छा मसाला बना है। हमारा आलू का मसाला भी तैयार हो चुका है। अब हम अपनी पूरियाँ बनाएंगे पानी पूरी के लिए। तो आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब मैं आपको दो तरीक़ों से पूरियाँ बनाना दिखाऊंगी। तो आटे को पहले फिर से एक बार हल्के हाथों से मसल देंगे। इसमें से थोड़े लोई काट लेते हैं। अब इस आटे को हम चकले के ऊपर रख के थोड़ा रोल कर लेंगे। रोल ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं। हम इस आटे को रोल कर लेते हैं। उसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इक्वल साइज में। देखिए हमने सारे आटे को इक्वल साइज में काट लिया है। अब इसमें से एक पीस लेके इसमें सूखा आटा थोड़ा सा लगा के फिर हम इसकी पूरी बेल लेंगे गोलगप्पे के लिए। इस तरह से हम सूखा आटा लगा लेंगे थोड़ा सा। और इसकी पूरियाँ हमें बहुत ही पतली बेलनी होती हैं। अगर थोड़ा सा मोटा रह गया तो पूरियाँ तो फूलेंगी लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगी, इसलिए हमें इसका पतला सा पूरी बेलना है। थिकनेस आप देख सकते हैं कितना पतला रखा है मैंने इसको, ये देखिए। इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी दिखा दूंगी।
तो ये तरीका हो गया, आप एक एक करके पूरी बेल सकते हैं इसमें, और बहुत ही पतली पूरी बेलनी होती है। देखिए हमने दूसरी पूरी भी बेल ली है, इसको भी रख देते हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका दिखाएंगे। दूसरे तरीके में आप बड़ी सी रोटी बनाकर बेलकर फिर उसको कटर से कट कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पे मैंने एक आटा ले लिया है तोड़ के, उसमें सूखा आटा डस्ट करके फिर इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी बहुत ही पतली बेलनी होगी। इस तरह से हम सूखा आटा लेके इसकी रोटी बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी का नाम बेल ली है, और आप थिकनेस देख सकते हैं इसकी, बहुत ही पतली है ये। अब कोई कटर से आप इसको कट कर सकते हैं। मेरे पास ये ढक्कन है तो इसी से मैं काट लूँगी। इस तरह से पूरियाँ कट कर लेंगे। आपको जैसा इजी लगे वैसा तरीका से आप बना सकते हैं। इसी तरह से सारी पूरियाँ हम बेल लेंगे, और इसमें एक ट्रिक है कि इसको कपड़े से ढक के रखना होता है सारी पूरियों को, इसमें हवा नहीं लगने देना होता है। और ये आटा जो है उसको भी हम ढक के रखेंगे, और कपड़ा ज़रूरी नहीं है कि गीला ही होना चाहिए, कोई भी कपड़ा से आप ढक सकते हैं, बस इसमें हवा नहीं लगना चाहिए पूरियों में, नहीं तो ये सूख जाएंगी। सारी पूरियाँ बेल के हमने रख ली है, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा धुआंदार गर्म है, तेल बहुत गर्म होना चाहिए, और एक एक करके हम पूरियाँ इस तरह से डालते हुए फ्राई कर लेंगे पूरियाँ। देखिए पूरियाँ कितनी अच्छी तरह से फूल रही हैं, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, मज़ेदार खुल रही हैं। ध्यान ये रखना है कि तेल हमारा बहुत ही गर्म होना चाहिए, धुआंदार गर्म होना चाहिए। इस तरह से हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, कितना अच्छी तरह से फूला है। पूरी डालते जाएंगे और इस तरह से करछी से हिलाते इसको फुलाते जाएंगे। देखिए सारी पूरी हम इसी तरह से छान लेंगे, फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये पूरियाँ, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। लेकिन ये सारी पूरी फूल रही है, ये बिल्कुल गारंटी रेसिपी है, तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें पूरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, ये रेसिपी से बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। देखिए सारी पूरियाँ मेरी फूल रही है कितनी अच्छी तरीके से। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरीके से फूल रही हैं, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। हम इसी तरह से सारी पूरियाँ फ्राई करेंगे, और ये इतनी क्रिस्पी होंगी आप इसको एक ही बार में ना खा के दो तीन दिन चार दिन पाँच दिन तक भी रख सकते हैं इसको, बिल्कुल ख़राब नहीं होता ये, बिल्कुल सॉगी नहीं होता है, ऐसे क्रिस्पी रहेगा ये। बस आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के या फिर कोई प्लास्टिक में रैप करके रखना होगा ताकि हवा ना लगे, फिर आप इसको चार पाँच दिन तक आराम से रख के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फ़िलहाल गैस को बंद कर दिया है आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी पूरियाँ कैसी बनी है। तो हमने बड़े साइज़ में बनाई हैं और छोटे साइज़ में भी बनाई हैं, तो आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो ये गर्म है, तो ये देखिए मैं आपको मैं दिखा दे रही हूँ, इतना क्रिस्पी आप देख सकते हैं ये छोटे वाले का। देखिए क्रिस्पी बनी है और बहुत ही पतली लेयर है, तो छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से, ये देखिए आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं।
तो इसको हम सर्व कर सकते हैं। बाकी की सारी हम पानी पूरियां हम इसी तरह से बना लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रंची और टेस्टी है। ये देखिए कितना पतला क्रस्ट है इसका, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें आलू का मसाला डाल के, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, इसमें डाल के पानी डाल के, ये देखिए मैं तो टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है, ये देखिए छोटा वाला। मैं तो ऐसे ही ट्राई कर ले रही हूँ, ट्राई करते करते आधा खत्म कर देती हूँ मैं। इस तरह से ये देखिए मुंह में पानी आया है आपके, तो इसको मैं ट्राई कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी है। तो आप भी इसी तरह से पानी पूरी या गोलगप्पे घर पे बनाइए और बहुत सारे गोलगप्पों का मजा लीजिए। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और अपने अनुभव को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।